साथियों, एक बहुत जरूरी बात मैं पूरे यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के लोगों से कहना चाहता हूं। आपने देखा है कि योगी जी के शासन में अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। मैं ये अपराधी चाहते हैं कि लूट डकैती छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में है। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये लोग जात पात के नाम पर बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है, केवल भाजपा को देखना है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी, ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। आप यूपी के मतदाता हैं और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता। यूपी के मतदाता हमेशा ये याद रखकर वोट देते हैं। पिछले कई चुनावों ने आपने ये साबित करके दिखाया है। आज भी आपका जोश बता रहा है, एकजुट होकर आप सही फैसला लेने को तैयार हैं। इसलिए यूपी ने ही जिस मिजाज से यूपी में मैं देख रहा हूं, यूपी ने है भरी हुंकार, एक बार फिर योगी सरकार।